हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द क्रॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम एना फ्रिट्ज होता है, उसकी अचानक से मौत हो चुकी है। एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को मुर्दा घर में लाया जाता है। मुर्दा घर में एक पाऊ नाम का लड़का होता है, जो एना की कुछ फोटोज अपने फोन में क्लिक करता है और उसे अपने फ्रेंड्स के पास भेज देता है। कुछ समय बाद ही हॉस्पिटल में पाऊ से मिलने इसके दो फ्रेंड्स आते हैं, जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का नाम हावी होता है। पाऊ की शिफ्ट अभी एक घंटे बाद खत्म होने वाली थी, इसलिए पाऊ इन्हें हॉस्पिटल के बाहर लेकर आता है। हॉस्पिटल से बाहर आकर ये तीनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते समय ये तीनों एना फ्रिट्ज के बारे में बात करते हैं। इवान पाऊ से कहता है कि क्या तुम हमें एना की बॉडी दिखा सकते हो। ये सुनकर पाऊ तो पहले मना करता है, क्योंकि मुर्दा घर में केवल हॉस्पिटल के स्टाफ ही जा सकते थे। लेकिन इवान के बार बार कहने पर हावी भी एना की बॉडी देखने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पाऊ अपने जॉब रिस्क में डालकर इन्हें हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लेकर आता है। मुर्दा घर में आकर पाऊ इन्हें एना की बॉडी दिखाने के लिए बॉडी के ऊपर से कपड़े को हटाता है। इस बॉडी को देखकर ये दोनों डर जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी एक ओल्ड लेडी की होती है। दरअसल पाऊ यहाँ इनसे मजाक करता है। इवान एक टेबल पर आकर अपने वॉलेट से ड्रग्स निकालता है और उसे ये तीनों लोग इनहेल करते हैं। इसके बाद पाऊ इन्हें असली एना फ्रिट्ज के बॉडी के पास लेकर आता है। पाऊ एना के चेहरे से कपड़े को हटाता है। एना काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे ये दोनों देखते ही रहते हैं। इवान एना की बॉडी से पूरा कपड़ा हटाता है। ये देखकर पाऊ और हावी इवान से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब इवान इन्हें बताता है कि उसे एना की बॉडी के साथ सेक्स करना है। ये सुनकर हावी इसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि किसी के डेड बॉडी के साथ इस तरह का काम करना गलत होगा। लेकिन पाऊ उससे कहता है कि एक बार इसने भी एक लाश के साथ में सेक्स किया था और उस लड़की की उम्र 16 से 17 साल की थी। अब पाऊ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन हावी इन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसे ये सब करना गलत लग रहा था। हावी इवान को काफी ज्यादा रोकता है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं मानता। पाऊ और हावी एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान जब एना की बॉडी के साथ सेक्स करके आता है, तब पाऊ एना की बॉडी के पास आता है। हावी ये सब देखकर इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। पाऊ अब एना की बॉडी के साथ सेक्स करने लगता है। पाऊ एना की बॉडी के साथ सेक्स कर ही रहा था कि तभी एना की आंख खुल जाती है, और पाऊ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे मुर्दा समझकर सेक्स कर रहा है, वो अब जिंदा हो चुकी है। पाऊ जब एना को देखता है, तब ये तेजी से चिल्लाता है, जिसके बाद इवान और हावी यहाँ पर भाग कर आते हैं। पाऊ इन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। एना अब जिंदा थी, लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। हावी एना के पास आता है और इसे रिलैक्स करता है। हावी पाऊ को पानी लाने के लिए कहता है, लेकिन पाऊ पानी लेने नहीं जाता, जिसके बाद हावी खुद ही पानी लेने जाता है और पानी लाकर एना को पिलाता है। हावी कहता है कि तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से तुम लोग डॉक्टर को बुलाओ, ताकि वो एना को ठीक कर सके, क्योंकि एना की बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। एना को जिंदा देखकर पाऊ और इवान काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि एना को पता है कि पाऊ ने उसके साथ में उसका रेप किया है। इसलिए अगर ये जिंदा रही तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी कि मुर्दा घर में इसके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। हावी एना को एक कपड़ा पहनाता है। इवान हावी से कहता है कि वो किसी को ना बुलाए। ये लोग यहाँ आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मुर्दा घर में कोई आता है, जिसे देखकर ये लोग एना के शरीर पर एक कपड़ा डालकर वहीं पर छुप जाते हैं। वो आदमी हॉस्पिटल का ही स्टाफ होता है, जो यहाँ पर एक डेड बॉडी लाकर रखता है। एना अपनी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकलती। एना जब तक अपने चेहरे से कपड़े को हटाती है, तब तक वो स्टाफ यहाँ से चला जा चुका होता है। अब हावी एना के पास आता है और उसे मुर्दा घर से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन इवान इससे कहता है कि पहले हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद ये तीनों लोग एक दूसरे कमरे में जाते हैं। पाऊ कहता है कि एना ने मुझे उसका रेप करते हुए देखा है, इसलिए अगर ये यहाँ से बाहर गई तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी, जिसकी वजह से मुझे जेल हो सकती है। लेकिन हावी इनसे कहता है कि पहले हमें एना की मदद करनी चाहिए, उसके बाद मैं उसे कन्विंस कर लूंगा कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन इवान कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि हमें एना को मार देना चाहिए, क्योंकि बाहर सभी को पता है कि एना की मौत हो चुकी है। इसलिए अगर हम एना को यहाँ पर मार भी देते हैं तो हम पर कोई भी शक नहीं करेगा, और अगर एना मर गई तो पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ में क्या क्या चीजें हुई थी। हावी इवान की बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो इनकी बात नहीं मानता
और वो एना को मुर्दा घर से बाहर ले जाने लगता है। इवान इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा बाहर लेकर गए तो मुझे भी जेल हो सकती है। इवान की बात सुनकर हावी गुस्से से कहता है कि तुमने एना का रेप किया है और उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। हावी मुर्दा घर में मौजूद दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन यह दरवाजा बाहर से लॉक था क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो स्टाफ बॉडी लेकर यहाँ पर आया था वो इस डोर को बाहर से लॉक करके चला गया था। पाऊ अपने जेब में इस डोर की दूसरी चाबी ढूंढता है, लेकिन इसके पास भी इस डोर की चाबी नहीं होती। हावी डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इवान इसे रोकता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट सीन क्रिएट होता है। इवान हावी के चेहरे पर कई मुक्के मारता है, जिसकी वजह से हावी घायल हो जाता है। पाऊ देखता है कि हावी के सिर से काफी ज्यादा तेजी से ब्लड निकल रहा था, जिसके बाद इवान पाऊ से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर किसी को कॉल करके इस दरवाजे को खोलो ताकि हम यहाँ से बाहर जाकर हावी को हॉस्पिटल में लेकर जा सके। ये दोनों हावी को एक अलग कमरे में लेकर आते हैं। पाऊ कॉल करके अपने एक कलीग को यहाँ पर बुलाता है कि वो यहाँ मुर्दा घर के कमरे में लॉक हो गया है और वो यहाँ आकर इसे निकाले। कुछ समय बाद पाऊ का कलीग यहाँ पर आता है और वो पाऊ को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। पाऊ यहाँ इससे इस कमरे की चाबी लेता है और इसके साथ में बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें हावी को दिखाया जाता है जिसकी सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर इवान काफी ज्यादा घबराने लगता है। ये सब देखकर एना कहती है कि तुम लोग इसे हॉस्पिटल में लेकर नहीं गए, जिसकी वजह से अब वो मर चुका है। ये कहकर एना रोने लगती है। पाऊ जब यहाँ आता है तब इवान इससे कहता है कि हावी मर चुका है। ये सुनकर पाऊ भी रोने लगता है। इवान कहता है कि इसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन एना कहती है कि तुम दोनों को इसके लिए अब जेल होगी। इवान पाऊ को यहाँ से बाहर लेकर आता है और कहता है कि अगर हम दोनों यहाँ पर पकड़े जाते हैं तो हमें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, इसलिए हमें जल्दी से हावी की बॉडी ठिकाने लगानी होगी और एना को मारना होगा। अंदर हम एना को देखते हैं जो स्ट्रेचर से नीचे आ चुकी थी और वो हावी के जेब से फोन निकाल कर अपनी मदद के लिए कॉल करती है। लेकिन तभी इवान यहाँ पर आ जाता है जो एना के हाथ में फोन देख कर जल्दी से उससे छीन लेता है। इवान अपना फोन चेक करता है और वो देखता है कि एना ने किसी को कॉल किया था, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को एक दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हावी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इवान जैसे ही फोन पिक करता है वैसे ही एना तेजी से चिल्लाने लगती है, लेकिन पाऊ एना का मुंह बंद कर देता है। दरअसल ये कॉल एना के फादर की थी क्योंकि एना ने अपने फादर को कॉल करने की कोशिश की थी। इवान एना के फादर को रॉन्ग नंबर बताता है और फोन को गुस्से से कट कर देता है। इवान एना को मुर्दा घर में लाता है और उसे थप्पड़ मारता है। एना कहती है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान बाहर से एक डस्टबिन लाने जाता है ताकि वो उसमें हावी की बॉडी डालकर उसे बाहर लेकर जा सके। पाऊ भी यहाँ पर एना के हाथ और पैर को बांधने लगता है, लेकिन एना यहाँ पाऊ से कहती है कि तुम इवान का साथ मत दो क्योंकि वो झूठा है और उसने हावी को जानबूझकर मारा है। लेकिन पाऊ इससे कहता है कि नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन एना कहती है कि नहीं, जब तुम अपने कलीग के साथ यहाँ से बाहर गए थे तब इवान ने हावी का गला दबाकर उसे मारा था। पाऊ एना की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो जल्दी से एना के मुंह पर टेप लगा देता है और दोबारा से कमरे में आकर वहाँ मौजूद ब्लड को साफ करने लगता है। इवान बाहर डस्टबिन ढूंढ ही रहा था कि तभी इसे यहाँ पर दो नर्स दिखाई देती हैं, जिसे देखकर इवान यहाँ पर छुप जाता है। एना किसी तरह से खुद को आजाद करती है और यहाँ से घिसटते हुए मुर्दा घर के रूम से बाहर आती है। इवान जब यहाँ पर आता है तब वो पाऊ से कहता है कि एना भाग गई है। ये दोनों जल्दी से लॉबी में आते हैं और दोनों अलग अलग होकर एना को ढूंढते हैं। एना अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं चल पा रही थी क्योंकि अभी भी इसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एना घिसटते हुए किसी तरह से लिफ्ट के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी इवान यहाँ पर आता है और लिफ्ट को बंद होने से रोकता है। इवान एना को यहाँ से घसीटकर फिर से मुर्दा घर के रूम में लेकर आता है। पाऊ यहाँ इवान से कहता है कि तुमने हावी को मारा था। तब इवान इससे कहता है कि हाँ, मैंने मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन पाऊ कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला दबाकर उसे मारा था। ये सुनकर इवान थोड़ा सा हिचकिचाता है, जैसे कि उसने सच में हावी का गला दबाकर उसे मारा हो। लेकिन इवान यहाँ इनकार करता है और कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया और तुम्हें एना की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये दोनों फिर से एना के पास आते हैं और अब इवान एना को मारने वाला था। ये लोग सोचते हैं कि आखिर एना को कैसे मारे कि यहाँ कोई भी सबूत किसी को ना मिले। इवान कहता है कि हमें एना की सांसें रोककर उसे मारना होगा। ये सुनकर पाऊ एक कपड़ा
कपड़ा इवान को लाकर देता है, लेकिन इवान उस कपड़े को पाऊ को ही दे देता है और उसे एना को मारने के लिए कहता है, लेकिन पाऊ एना को नहीं मारना चाहता था। जिसके बाद इवान पाऊ का हाथ पकड़कर उस कपड़े से एना के मुंह को दबाते हैं, जिसकी वजह से एना यहाँ पर पी कर देती है और ये एना को यहाँ पे फिर से मार देते हैं। ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी की बॉडी को डस्टबिन में डालते हैं। इवान उस डस्टबिन को बाहर ले जाता है और पाऊ एना की बॉडी से कपड़ा हटाता है। इवान हावी की बॉडी को रोड के किनारे छोड़कर उस डस्टबिन को लेकर चला जाता है। उधर पाऊ एना की बॉडी अच्छी तरह से साफ करके सारे सबूत मिटाता है और एना की बॉडी को कपड़े से ढक देता है और स्ट्रेचर को दूसरे जगह पर लाकर रखता है। पाऊ यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले पाऊ एना की बॉडी को एक बार देखता है, तब ये देखता है कि एना अभी जिंदा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एना को तो इन्होंने मार दिया था, लेकिन हम आपको बता दें कि एना मरी नहीं थी, बल्कि उसने मरने का नाटक किया था और ये सब बात पाऊ पहले से ही जानता था। खैर, पाऊ यहाँ एना से कहता है कि तुम शांत ही रहना। तभी इवान यहाँ पर आता है, जो हावी की बॉडी छुपाकर आ गया था। पाऊ कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन इवान एना की बॉडी के पास आता है और वो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है। इवान देखता है कि एना अब मर चुकी है और ये देखकर ये पाऊ से कहता है कि तुमने इसे अच्छे से साफ करके सारा सबूत मिटा दिया है ना। तब पाऊ कहता है, मैंने उसे अच्छे से साफ करके सारा सबूत मिटा दिया है। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो उसे लेने जाता है। पाऊ इसे वहाँ पर जाने से मना करता है, लेकिन इवान पाऊ की बात नहीं मानता। इवान जब मुर्दा घर में आता है, तब ये देखता है कि एना कपड़े बदल रही थी। ये देखकर इवान पाऊ का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि एना मर चुकी है। ये कहकर इवान इसे मारने लगता है, लेकिन तभी एना पीछे से आकर इवान पर सीजर से स्टेप करती है। इवान जब एना की तरफ मुड़ता है, तब एना उस सीजर को इवान के गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से इवान यहाँ पर मारा जाता है। पाऊ एना से कहता है कि तुम्हें इसे मारना नहीं था, लेकिन तभी एना पाऊ के पेट में सीजर घुसा देती है। एना कई बार उस सीजर को पाऊ के शरीर में स्टेप करती है, जिसकी वजह से पाऊ भी यहाँ पर मारा जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।